हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। जैसे कि आप जानते हैं, मॉनसून स्टार्ट हो गया है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान चिकन मंचाओ सूप बनाने की रेसिपी। तो एक बिगनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। तो बारिश के इस मौसम में आप गर्मा गर्म हॉट एंड स्पाइसी मंचाओ सूप ज़रूर बनाइए। तो चलिए इसे बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसे बनाने के लिए हमने ये बर्तन लिया है, इसमें हम पहले डाल देते हैं पानी। तो पहले हम सूप के लिए स्टॉक रेडी करेंगे, उसमें हम डाल देंगे चिकन, साथ ही में थोड़ा सा तेल डालेंगे हम इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक। और हमें इसे अच्छी तरह बॉईल करना है, क्योंकि चिकन को भी हमें श्रेड करना है, साथ ही में हमें इसका स्टॉक भी चाहिए चिकन का। तो इससे क्या होगा, आपके दो काम साथ में हो जाएंगे, चिकन भी बॉईल हो जाएगा, साथ में आपका जो स्टॉक है वो भी रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है, मतलब ये बॉईल हो गया है, सॉफ्ट हो गया है थोड़ा। तो हम चिकन को निकाल लेते हैं पहले। तो चिकन हमने निकाल लिया है, और ये जो स्टॉक है इसे हम सूप बनाने के लिए यूज़ करेंगे, इसे हम रख देते हैं साइड में। तो देखिए, मैं चिकन को श्रेड कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लें। तो देखिए, हमने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये पैन, इसमें हम डाल देंगे पानी। तो सूप बनाने से पहले हमें काफ़ी सारी तैयारी करना पड़ती है। तो पहले हम ये नूडल्स बॉईल करेंगे, हमें इसके लिए चाहिए फ्राइड नूडल्स, चिकन स्टॉक। तो पहले हम सब प्रिपरेशन कर लेंगे और उसके बाद हम सूप बनाएंगे। तो इन नूडल्स को पहले बॉईल करते हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा तेल और नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नमक ना डालें आप। देख सकते हैं आप, नूडल्स बॉईल हो गई है, ये 5 मिनट लेंगे हार्डली बॉईल होने के लिए। चिकन बॉईल हो गए हैं, इसका हम पानी स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन होने के बाद सेम पैन में मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल, क्योंकि हमें अब नूडल्स को फ्राई करना है। तो जो नूडल्स हमने स्ट्रेन करके रखे थे, उससे पानी ड्रेन आउट हो गया है अच्छे से, अब हम इसे डाल देते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तेल उड़ेगा, तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो इसे आप फ्राई कर ले, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। पाँच से सात मिनट लेंगे ये फ्राई होने के लिए। तो जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको फ्राई करना है। तो देखिए, हमारे नूडल्स रेडी हो गए। अब इस पैन में से अगर एक्सेस ऑयल है तो आप उसको निकाल सकते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है, और अब हम इसमें डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियंस का वाइट पार्ट। नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं गार्लिक एंड जिंजर, और इसे अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, जैसे कि हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ गाजर, आप इस तरह से इसे चॉप कर लें, कैप्सिकम और पत्ता गोभी को भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। सभी वेजिटेबल्स को आप ऐसे छोटा छोटा सा चॉप कर लें। इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं, ताकि वेजिटेबल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्रंची होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस लिया है। अगर लाइट सॉस है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये जो रेसिपीज होती है फास्ट फूड की, ये जनरली सभी को बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं सॉल्ट, सॉल्ट आप एज़ पर योर टेस्ट एडजस्ट कर लें, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डाला है, और मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन का स्टॉक, जो हमने चिकन बॉईल किया था वो स्टॉक हम इसमें डाल देंगे। तो ये रेसिपी बहुत हेल्दी भी बनती है, क्योंकि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं चिकन, चिकन में प्रोटीन्स होता है, साथ ही हमने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं इसमें। और अब हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, हमें लेना है एक अंडा। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे पहले, उसे तोड़कर।
तो देखिए मैंने अंडा ले लिया है, इसे फेंट लेंगे। फ्लेम को हमें हाई पर रखना है और हाई फ्लेम पर इसे बॉईल होते हुए भी आपको ये जो अंडा हमने लिया है इसमें डाल देंगे हम, और इसे 2 मिनट और पकाएं, एक बार और उबाल आ जाए इसमें अच्छे से। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये जो सूप है ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, तो इसे थिक करेंगे हम अभी। सूप को थिक करने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आपको 1 बड़ा चम्मच लेना है। इसमें हम डाल देंगे पानी और इसके एक स्लरी बना लेंगे। अगेन हमारी जो फ्लेम है वो हाई पर है, ये बॉईल हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके स्लरी डालेंगे और कंटिन्यूस इसे स्टेयर करते रहें। इससे क्या होगा, आपका सूप जो है वो अच्छे से थिक हो जाएगा और इसे फिर बॉईल होने के लिए छोड़ दें। तो सूप जो है इसे हम स्टार्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ श्रेडेड चिकन, और फिर मेन कोर्स के लिए आप फ्राइड राइस बना सकते हैं। अगर आप फ्राइड राइस की रेसिपी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक देती है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें चिकन भी डाल दिया है, देखिए ये थिक हो गया है काफ़ी। अब हम इसमें डाल देंगे ये बॉइल्ड नूडल्स, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा हॉट एंड स्पाइसी सूप रेडी हो गया है। और अगर कुछ लोग फ्राइड राइस पसंद नहीं करते हैं, जो नूडल्स लवर है, तो मैंने नूडल्स की रेसिपी भी ऊपर आई बटन में दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो हम सूप को अब सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह के हॉट एंड स्पाइसी सूप आप मानसून के सीजन में ज़रूर एंजॉय कीजिए। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, साथ ही में ये बहुत ही ईजी भी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अब मैं इसे जो हमने नूडल्स को फ्राई किया था वो तो फ्राइड नूडल्स को हम डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी चिकन मंचाओ सूप रेडी हो गया है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।